टू माई चैनल मेरी दुनिया। आई होप अच्छे हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ भी हो गए। और आज मैं सोच रही हूँ कुछ झटपट बनाने का है कि तुरंत एकदम रेडी हो जाए, कम से कम 30 मिनट के अंदर ही रेडी कर दूँ। तो चलो देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ आज। तो मैंने एक तरफ कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम गैस को एकदम स्लो रखा है और पानी चढ़ा दिया मैंने इसमें। जब तक मैं पानी मेरा गर्म हो रहा है तब तक मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो मैंने लिया है यहाँ पे बीन्स, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर और ये प्याज लिया है। और मैं इसको पहले अच्छे से कट करूँगी, उसके बाद वॉश करूँगी और उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। तो चलिए आगे की ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मेरी सब्ज़ी जब तक कट रही थी, मैंने पानी मेरा गर्म हो चुका है और मैंने इसमें माइक्रोनी डाल दिया है और ये गैस के फ्लेम को एकदम स्लो रखा है ताकि क्योंकि ये ज़्यादा चिपक जाता है। और मैं इसे चला लूँगी और इसमें साथ ही आप इसमें एक चम्मच ऑयल डाल दीजिए ताकि ये एक दूसरे से चिपकेगा बिल्कुल नहीं। हमारी मैक्रोनी ये देखिए अच्छे से उबल चुकी है, मोटी हो चुकी है देखिए। और इसके बाद अब हम इसे पानी से वॉश कर लेंगे, अलग से एक जार में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसे कुछ देर के लिए पहले ठंडा होने देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसे चलाते रहिएगा नहीं तो चिपक जाएगा, और ऑयल डाल देंगे तो ये चिपकेगा बिल्कुल नहीं। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, ट्राई करते। तो मैंने यहाँ ली है लाल मिर्च और साथ ही इसके साथ लिया है मैंने पीसी धनिया और लिया है मैंने हल्दी और नमक। बस यही सब मसाला मैं इसमें मैक्रोनी में डालूँगी। तो मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च और ये पीसी धनिया ज़रा सा ली है। अब हम कढ़ाई को अच्छे से गरम होने देंगे और मैंने इसमें तेल डाल दिया। अब मैं इसमें तेल डालूँगी, मैंने कड़वा तेल लिया है तो इसे डाल दूँगी और इसे थोड़ा देर तक गरम होने दूँगी। ये ऑलमोस्ट गरम हो चुका है क्योंकि इसमें से हल्का हल्का धुआं आने लगा। तो अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी, जो मैंने दो टमाटर लिए थे मैं वही डाल रही हूँ। और उसके साथ ही अब मैं डालूँगी, पहले मैं इसे चला लूँगी अभी क्योंकि थोड़ा टमाटर गल जाए तो उसके बाद मैं सारी सब्ज़ी ऐड करूँगी। तो इसे टमाटर को मैंने टमाटर चलाते रहने से टमाटर से ऐसे पकाएगा नहीं। और माइक्रोवेव तो सबको पसंद होती है, मुझे भी पसंद है। तो मैंने सोचा आज चलो यही बनाती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग खा लेंगे, सब लोग इस टाइम घर पर भी होते हैं नहीं तो सब लोग चले जाते हैं। ये देखिए मेरा टमाटर अच्छे से हो रहा है, एकदम तेल में एकदम मस्त हो रहा है। तो इसे चलाते रहेंगे हम, इधर हम टमाटर को भूजते रहेंगे। और नहीं तो इसमें कोई सब्ज़ी काटी थी उसे डाल, जब भी माइक्रोवेव बनाए तो टमाटर को बिल्कुल छोड़ ना दें नहीं तो वो जल जाएगा तो स्वाद बेकार हो जाएगा। तो देखिए मेरे टमाटर अच्छे से हो रहे हैं, मैंने गैस के फ्लेम को एकदम स्लो पे रखा हुआ है। तो अब हम इसमें जो मैंने बीन्स और शिमला मिर्च कट किया था तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे, थोड़ा स्लो पे मैं ऐड करूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी ताकि और अच्छे से ऐड करूँगी और इसको चलाती रहूँगी, थोड़ा डाल के चलाती रहूँगी नहीं तो टमाटर हमारा चिपक जाएगा। मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा पानी डालूँगी ताकि ये मेरी सारी सब्ज़ी अच्छे से गल जाए। और इसे चलाती रहूँगी, मेरी सब्जियां अच्छे से गल गई हैं और इसमें पानी भी कम हो गया। तो अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैंने हल्दी ली है, मैं हल्दी इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद मैंने इसमें लिया है पीसा गरम मसाला, जो थोड़ा सा मैंने लिया, ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, स्वाद के लिए बस डाला है और मुझे बहुत पसंद है। मैंने लाल मिर्च ली है, थोड़ा कड़वा स्पाइसी भी होना चाहिए मैक्रोनी, नहीं तो ऐसे नॉर्मल शादी होती है अच्छी नहीं। तो मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला रह रही हूँ। मेरे हाथों में हल्दी लग गई है और मुझे माइक्रोनी बहुत पसंद है, सुबह का टाइम पे सब होते हैं खा लेते हैं। हमारी सब्ज़ी अच्छे से हो गई है, ये देखिए कितने अच्छे से पक रही है। इसमें मैंने सारे मसाले नमक सब डाल दिया है और बहुत ही अच्छे से पक रही है ये। अब इसे अच्छे से चला लेंगे, मैंने इसमें ज़रा सा पानी और डाल दिया ताकि और अच्छे से हो जाए नहीं तो खाने में थोड़ी सी देखिए अच्छे से बराबर पानी डाला। पक चुकी है सब्ज़ी भी अच्छे से गल चुकी है और मैं इसमें थोड़ा मसाला दूँगी। और मैं इसमें माइक्रोनी डालूंगी, जो हमारी माइक्रोनी अच्छे से फूल चुकी है उसको डालूंगी। और इसे कुछ दिन
देर तक मैं भूनूंगी, कम से कम 2 मिनट तक मैं इसे अच्छे से मसाले को मैक्रोनी को मिला लूंगी। ये देखिए मैक्रोनी खाने का अपना ही एक अच्छा होता है, बहुत लोग को पसंद होता है, बहुत लोग को चाउमीन, पर मुझे मैक्रोनी बहुत पसंद है। स्कूल जाती थी तब भी लेके जाती थी। और मैं पहले अच्छे से सबको मिला लूँगी, सुबह का टाइम में सब खा लेते हैं मैक्रोनी, तो आप लोग भी देखिए। तो मेरा मैक्रोनी वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा। तो चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना और बताना ब्लॉग कैसा बना है। तो है नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरे इस तरह बनाई, और मैंने लास्ट में इसमें सॉस डाल दिया है, जो चाउमीन में पड़ता है वो डालने से स्वाद थोड़ा आ जाता है, चटपटा से बन जाता है, मैंने इसे डाल दिया। तो आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसी बनी है, और ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। मैं ही ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं अपने आप को नहीं शूट कर पाती। हाथ में फर्क आ गया हमें। तो लाइक कमेंट पतले से बने हैं और बताना ब्लॉग कैसा बना है। ए बस उठ ना ना उठा के दिखाया कर हर बात में। देखिए हमने तवा बताओ, देखिए दोस्तों हमने तवा चढ़ा दिया, अब हम चल रहे हैं चिल्ला बनाने।